क्वेश्चन नंबर 28। अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर शोन इन द फिगर क्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लिपिंग हो रही है, रोलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। एट सम इंस्टेंट इट हैज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी नॉट एंड रोटेशनल वेलोसिटी अबाउट द सेंटर वी नॉट बाय 2 आर। रोटेशनल वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ। ये अपना स्फीयर है ना। अब इसके सबसे बॉटम वाले पॉइंट पे दो वेलोसिटी होगी, कौन कौन सी? एक तो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी जो कि वी नॉट है, और पीछे होगा ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू अपने को दे रखी है वी नॉट बाय 2 आर इंटू आर। क्या आएगा? वी नॉट बाय 2 आएगा। तो साफ दिख रहा है कि रोटेशनल वेलोसिटी काफी कम है जबकि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब अगर मैं प्योर रोलिंग के रिस्पेक्ट में बात करूं, प्योर रोलिंग के केस में क्या चाहिए होता है कि ओमेगा इंटू आर पीछे की तरफ और आगे की तरफ वी नॉट, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी प्योर रोलिंग होती है। पर यहां पर क्या हो रहा है कि लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है और रोलिंग घूमने की वजह से जो पॉइंट की सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी आ रही है ओमेगा इंटू आर, वो कम है। तो ओवरऑल ये होगा कि शुरू में स्लिपिंग हो रही होगी, ठीक है। और चूंकि इस पॉइंट की टेंडेंसी आगे जाने की है तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे ऐसे लगेगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर, ठीक। अब पूछा है भाई फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, देखेंगे। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है ओ। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है, ध्यान से देखो, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है भाई? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, सॉरी, ऐसे, ठीक है। और वो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो mg और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस आउट हो जा रहे हैं, तो उनका भी टॉर्क जीरो रहेगा, ठीक है। तो ले देखिए, इस पॉइंट के अबाउट कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसका टॉर्क नॉन जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। अभी ऐसे देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। थोड़ी देर बाद मान लेते हैं कि ये स्फीयर यहां पर आ गया, ठीक है, और यहां पर रोलिंग स्टार्ट हो गई। रोलिंग स्टार्ट होगी तो सेंटर ऑफ मास कुछ वी वेलोसिटी से जा रहा होगा और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होगी, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये थोड़ा सा जमीन में है ना, ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ओ के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो ये एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और ये फाइनल दोनों को बराबर कर दो। एल इनिशियल क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो, रोटेशनल वेलोसिटी ऐसी है तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी इधर है वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एम सॉरी ये आर क्रॉस वी करोगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी? क्लॉकवाइज ही आएगी, करके देख लेना। ले देखिए, दोनों वेलोसिटीज की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम एल आई विल बी इक्वल टू पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास मानते हुए क्या लिखेंगे, एम इंटू सॉरी कैपिटल एम इंटू वी नॉट इंटू आर। अब ये एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, आना चाहिए भाई, है ना, प्लस आई इंटू ओमेगा। स्फीयर है तो 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है अपने को वी नॉट बाय 2 आर। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ये किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। फाइनली एंगुलर मोमेंटम इसमें भी वही बात है, दोनों वेलोसिटीज कौन कौन सी, रोटेशनल वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो सिंपल ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, एम इंटू वी आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाय आर। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वी बाय आर। अब क्या इक्वेट कर दोनों को, सबसे पहले तो एम कट जाएगा यहाँ से, एम 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 एम,
और ये आर, ये आर, ये आर, ये आर कर गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर कर गया। तो ये टू और ये टू भी कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है वी नॉट प्लस 1/5, वी नॉट प्लस वी नॉट बाय 5, तो कितना आ जाएगा 6 V0/5 इज इक्वल टू, यहां पर देखो वी प्लस 2/5 V, कितना आ गया 7 V/5, तो ये 5 और 5 कट गया, V की वैल्यू आ गई 6 V0/7, ये इतने को पूछा है, खत्म।